नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी और बहुत सुखद गई होंगी। दोस्तों मेरा नाम संदीप और मेरे पार्टनर है दीपक जी। दीपक जी नौकर है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। दोस्तों आज का आपके तरफ आने का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि हमने एक 10 एकड़ में एक बगीचा डेवलप कर रहे हैं। अभी 2.5-3 महीने से अभी स्टार्ट हुआ है और नागपुर से 50 किलोमीटर दूर हमारे महात्मा गांधी जी की कुटी है, जिसको सेवाग्राम बोलते हैं, काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते होंगे। वो सेवाग्राम से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर ये फार्म है। बहुत अच्छा प्लेस है, आप आके देख सकते हैं। सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी का आश्रम आप देख सकते हैं। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दोस्तों ये हमारा फार्म है। जिनका ये फार्म है उनका नाम है विजय देवलीकर सर, इस वर्धा जिले के CEO है और उनका ही फार्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैसेज देने का उद्देश्य है कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगाया 2 एकड़ में। दिखाइए सर, ड्रैगन फ्रूट का फार्म दिखाइए। अभी 2 ही महीने। हाँ, तो बताने का उद्देश्य यह है कि आप यदि ड्रैगन फ्रूट लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं आ रहा है, आपको गाइडेंस गाइड नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों एक तो डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे में नंबर दिया है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए, ये जो पहली बात, तो ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए वेराइटी का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी वेराइटी का होना ज़रूरी है। यदि आपके पास नस्ल अच्छी नहीं है तो आपका बगीचा फेल। तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे बगीचे प्लांट्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कम से कम 3 फीट की हाइट हुई है और मजे की बात, इसको 1.5 महीना हुआ है हमने कल्टीवेशन किया है। तो ठीक है, 1.5 महीने के अंदर में इसकी ग्रोथ देखिए, ये एक यूनिक वेराइटी है, रेड कलर की वेराइटी है। अंदर में भी जो फल होता है वो रेड होता है और बाहर में भी रेड होता है। इसको मार्केट में सी वेराइटी के नाम से भी फेमस है, वो एग्रोवतार के माध्यम से हम लोग इसको कल्टीवेट किया है। हाँ, एक बात बता दूँ दोस्तों कि हमने जितना भी बगीचा बनाया यहाँ पर, जो 10 एकड़ का फार्म अभी आपको दिखाऊंगा 3-4 मिनट के अंदर में, ये बगीचा 100% ऑर्गेनिक बोल सकते हो। हमने सिर्फ 1 या 2% हमने केमिकल का इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जो फंगस आया था उसमें 100% हमने ऑर्गेनिक इसका इस्तेमाल किया है। दीपक जी आप तो बता पाएंगे, आपने यहाँ पर ऐसा क्या नया किया है जो हमारे किसान भाई के काम आ सके? देखिए सर, ड्रैगन फ्रूट ऐसी फसल है जिसे बोलते हैं लोग के कैक्टस है, बराबर है, तो इसको बोलते हैं कि डिसीज कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आप फार्मिंग में जाते हो तो डिसीज आते हैं, तो इसमें सनबर्न हो गया या फिर फुजारियम हो गया, जो विल्ट वगैरह, तो इसके डिसीज आते हैं, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं पूरे हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक किए जाते हैं। ओके, तो मुझे बताइए आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? हाँ, तो यहाँ पे है ना सर, ट्रीटमेंट के जरिए हमने नेचुरली जो कर सकते वो भी कर, मैं दिखा था वो अभी आपको, और बायो पेस्टिसाइड से भी हमने इस कंट्रोल में ला लिया है। ओके, नेचुरल में देखा जाए तो हमने यहाँ पे एक मैरीगोल्ड का देखो प्लांटेशन किया हुआ है। ओके, एक पोल को हमने 4 जो पौधे लगाए, 4 पौधों को हमने 4 प्लांट्स मैरीगोल्ड के लगाए। ओके, तो मैरीगोल्ड जिसको हम झिंडू बोलते हैं, गेंदा का फूल, वो हम लगाए। सर रीजन क्या है, क्यों लगाए आपने? उसकी रीजन 2-3 रीजन है सर। एक रीजन डायरेक्टली बता जाए तो एंटी नेमेटोड्स का काम करता है, एंटी नेमेटोड का काम करता है। सेकंड, हाँ सेकंड इसका काम होता है मेनली पॉलिनेशन के लिए। Okay. अगर हमारे यहाँ पे हमारा गावा है, सीताफल है या फिर हमारा ड्रैगन फ्रूट है, तो इसके लिए एक पॉलिनेशन का मेनली काम किया जाता है गेंदे के स्वरूप में। ओके, जो हनी बी को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, और तीसरा जो मेजर है, क्योंकि हमारे आप देख सकते हो हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम में हमारी दवाइयाँ तैयार होती है नेचुरल, तो नेचुरल दवाई के लिए भी हमारे यहाँ ये पूरा प्लांट्स, हम पूरा प्लांट्स दवाई के लिए यूज करते हैं, रूट विद रूट्स। तो अभी आपने यहाँ पर कौन काम करता है, आपका नाम क्या है? गजानन जी, मुझे बताइए यहाँ पर आपने कौन कौन से ऐसे जैविक फर्टिलाइजर या जैविक जो सर ने बताया तो क्या डाले आपने? मेटारिज्म। ओके, मेटारिज्म क्यों डालते दीपक सर? मेटारिज्म देखा जाए तो एक जो हमारे टर्माइट्स होते हैं, जैसे कि बोलते हैं मराठी में या हिंदी में उसको उदयली बोलते हैं, दीमक दोस्तों, दीमक पूरे भारत में प्रचलित नाम है दीमक। दीमक दीमक कंट्रोल के लिए हमने मेटारिज्म यूज किया है। ओके, और दूसरा क्या डाले? ट्राइकोडर्मा क्यों डालते दीपक सर? ट्राइकोडर्मा ऐसा है कि अकेला ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगिसाइड है, जो बायोफंगिसाइड 8 प्रकार के अपने फंगस को कंट्रोल में रखने का काम ट्राइकोडर्मा करता है। और क्या डाले?
ह्यूमिक एसिड का बताइए फायदा। ह्यूमिक एसिड सबसे बड़ी चीज है, आप अगर खेती करते हो तो ह्यूमिक एसिड का एक एडवांटेज, मतलब ह्यूमिक एसिड क्यों डालना चाहिए, तो ह्यूमिक एसिड ह्यूमस तैयार करने का काम करता है। ओके, ह्यूमस यानी क्या है कि पौधों के आजू बाजू में एक ऐसा एनवायरमेंट जो सभी न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के लिए मदद करता है। और क्या डाले? कंसोर्शिया। देखिए आजकल क्या होता है कि हम यूरिया यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं या फिर पोटेश यूज करते हैं, तो ये हमें केमिकल फॉर्म में आता है जिससे जो 50% तो वेस्टेज हमारे सॉइल में ही रहता है और जो कभी डिग्रेड नहीं होता। तो इसके लिए आप अगर कंसोर्शिया यूज करते हैं तो कंसोर्शिया में जैसे कि पीएसबी हो गया, केएमबी हो गया, राइजोबियम हो गया, तो एनपीके जो है वो जैविक फॉर्म में एनपीके आपको प्रोवाइड करने का काम कंसोर्शिया करता है। ओके, ये आपका जैविक हो गया, साथ में आपने गोबर खत का इस्तेमाल किया होंगे, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किए होंगे, है ना, जीवा अमृत का इस्तेमाल किया होगा और वेस्ट डी कंपोस्ट का इस्तेमाल किए होंगे, ये सभी के सभी हमने इस्तेमाल किया। दोस्तों यदि आपको ऑर्गेनिक करना है तो ये उसके महत्व घटक है, ये घटक का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह से आप जैविक खेती करने में कामयाब हो सकते हो और इसके रिजल्ट भी बेहतरीन मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने इस पर बहुत अभी फंगस आया था, क्योंकि इस साल बारिश बहुत आई ना, बारिश बहुत आई तो फंगस बहुत ज़्यादा आया था, तो हमने इसको और जैविक ट्रीटमेंट से ही हमने इसका फंगस निकाले, आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे हो। अभी आप देखना एक या डेढ़ महीने के अंदर ये अभी अपना घेरा चालू कर देगा और 6-7 महीने में पूरा बगीचा आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा और 1 साल में इसका पहला उत्पादन लेंगे दोस्तों। ये वेरायटी बहुत यूनिक है, हमने अभी तक इसके 120 एकड़ हमने अभी तक लगा चुके हैं पूरे भारत में, और हम चाहते हैं कि इस साल कम से कम 1000 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाए, क्योंकि हमारे पास में 1000 एकड़ का ही अभी टारगेट है, और पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी तेलंगाना हो, आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं और हम भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप नीचे जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए दोस्तों, हम आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, है ना। ये हो गया ड्रैगन फ्रूट, आप इसका ड्रिप देख पा रहे हो, ड्रिप सिंगल लाइन लगाते हैं, हमने इसको डबल किया, क्योंकि डबल इसलिए किया है क्योंकि इस साइज से भी पानी मिले और इस साइज से पानी मिले, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है डबल लाइन देना है क्योंकि बहुत जरूरी है। इसी के साथ में बीच में हमने क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पर ढेंचा लगाया, यहाँ पर ढेंचा लगाया। ढेंचा क्यों लगाया हमने, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पर दिखा पा रहे, ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन आपको छोटा सा दिख रहा है, ये ढेंचा है। ढेंचा ये इतना बड़ा होते ही हम लोग इसको एक तो मल्चिंग के लिए यूज करेंगे, गर्मी में मल्चिंग का काम आ जाएगा, नेचुरली मल्चिंग, इसलिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक मल्चिंग नहीं किया है। साथ में इसको हम गाड़ देंगे तो ये फर्टिलाइजर का भी अच्छा काम करेगा, अच्छा स्रोत बनता है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होते हैं उसके। तो आप अपने खेत में कोई भी फसल लगाते हो तो बीच में ढेंचा लगाइए, ढेंचा कुछ हाइट हो दीजिए 4-5 फीट और उसके बाद में उसको गाड़ दीजिए और कुछ बच्चे को यहाँ पर आप मल्चिंग बिछा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ड्रैगन फ्रूट। 2 मिनट में आपका अमरूद जो लगा है, हमने हाईटेक अमरूद वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीताफल के वीडियो तो आपने बहुत देख चुके हैं, फिर भी लास्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा फास्ट आइए क्योंकि समय है कम। देखो दोस्तों ये आप आगे देख पा रहे हो, ये हमारा अमरूद है, हमने एक वेराइटी यहाँ पर 4 एकड़ में लगा, जिसमें से 2 एकड़ में हमने ताइवान पिंक को चूज किया है, 2 एकड़ में हमने अलाहाबाद सफेदा को चूज किया है। अलाहाबाद सफेदा देख पा रहे हो, इसकी ग्रोथ देखिए। सबसे पहले मैं इसके कैनोपी दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए सर। हाँ, एक पहले बता दूं कि ये जो कितने महीने पुराना है, ये सिर्फ अभी कितना, 1.5 से 2 महीने का, 3 महीने का क्रॉप है दोस्तों, ये 3 महीने का क्रॉप है, 3 महीने में ग्रोथ देख पा रहे हो। पॉसिबल नहीं है 3 महीने में इतनी ग्रोथ होना, लेकिन वो जैविक ट्रीटमेंट हमारे जो अधिकारी है, हमारे एक एक्सपर्ट है, हर महीने यहाँ पर विजिट पे आते हैं और अपना शेड्यूल देख के जाते हैं, उनके सुपरविजन में ग्रोथ देख पा रहे हो। प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल किया है, मजे की बात है ये प्लास्टिक मल्चिंग बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत है, ये भी हम आपको पहुँचा के देंगे। यदि आपको लगता है कि मार्केट में आपको अच्छी मल्चिंग नहीं मिल पा रही है, एकदम हाई क्वालिटी की चाहिए, 50 माइक्रोन की, 30 माइक्रोन का, तो हम लोग आपको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। फसल की क्वालिटी दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत बढ़िया है सर, सबसे अच्छी क्वालिटी बोल सकते हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी में दिखा सकता हूँ। देखो इसको मैं फाड़ के दिखा सकता हूँ, फाटेगी ना, देखो देखो पूरे ताकत से खींच रहा हूँ, देखो देखो ठीक। ये मल्चिंग की क्वालिटी आपने देखे है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और
लगभग लगभग इसकी 6 या 7 महीने में पूरा अच्छी हो जाएंगी और 1 साल में हम इसका पहला उत्पादन लेंगे दोस्तों। ऑर्गेनिक होने की वजह से हम इस पर और कुछ प्रोसेस करेंगे, बैगिंग करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, रेट अच्छा मिले करके, ठीक है। ये हो गया हमारा अमरूद जिसमें अलाहाबाद सफेदा और ताइवान पिंक, ऐसे 2 वेराइटी का हमने इस्तेमाल किया है और 2 ही वेराइटी लोकल मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी वेराइटी है दोस्तों। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पूरे भारत में काम कर रहे हैं हम, RS एग्रोतार के माध्यम से काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे भारत के सभी किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बड़ा करना, उनको पैसे वाला करना। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप निर्णय लेंगे। देखिए हम अभी विदर्भ में है, हमारा विदर्भ महाराष्ट्र का विदर्भ है, या विदर्भ में बहुत पीछे हमारी खेती है। जैसे मैं यदि नासिक की बात करूँ तो उससे 10 साल हम लोग पीछे ही है, यदि मैं पंजाब की बात करूँ उससे भी काफ़ी पीछे हम लोग। तो हम इसको अभी नया रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके भी खेत को हम लोग ग्रो करके देंगे। आप थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, ये आपकी जो पारंपरिक खेती है जो हम जिसको ट्रेडिशनल क्रॉप बोलते हैं, जैसा चना हो गया, गेहूँ हो गया, टूवल हो गया, इसको कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हाईटेक फार्मिंग पर आ जाइए। ड्रैगन फ्रूट लगाइए, सीताफल लगाइए, अमरूद लगाइए, मौसम्बी लगाइए, संतरा लगाइए, मैंगोस्टीन लगाइए, पैशन फ्रूट लगाइए, एवोकाडो लगाइए, सेब लगाइए, एप्पल लगाइए, नारियल लगाइए, कटहल फनाने जैकफ्रूट लगाइए, कुछ तो भी नया कीजिए, एप्पल बेर लगाइए, जिससे आपको महीने एक एकड़ से 1-3 लाख के बीच में उत्पादन मिल सके दोस्तों। और ये मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, बहुत से किसान कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं थोड़ा सा चेंज कीजिए। और एक मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा मनोबल तो बढ़ाइए एटलीस्ट, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। और एक कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट और वीडियो चाहिए। थोड़ा ब्रेक मिला है हमें, 3-4 महीने का ब्रेक मिला, हमने वीडियोस अपलोड नहीं किया है, लेकिन दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे, अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको अच्छा नॉलेज देंगे और आपको खेती को सक्सेस करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ में मैं संदीप आपका दोस्त और दीपक जी चीफ टेक्निकल ऑफिसर RS एग्रोतार हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।